पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को एथिक्स पैनल के सामने पेश होंगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुशरीफ की काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़। नांदेड़ में मराठा प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, पुलिस अधीक्षक घायल। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, 100 रुपये से ज़्यादा बढ़े दाम। यूपी में दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी के 1.75 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस, मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेगी मीट शॉप। आज से काठमांडू दिल्ली हांगकांग के लिए उड़ानें शुरू करेगी विस्तारा। पाकिस्तान से अफगान नागरिकों के निकलने की डेडलाइन हुई खत्म। पेरिस पुलिस ने हिजाब पहने महिला को मारी गोली, मेट्रो स्टेशन पर मजहबी नारे लगा रही थी।